नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है ओपन सेट को डिफाइन करेंगे। ओपन सेट जो है BSc फाइनल ईयर में है, यानी कि BSc फाइनल ईयर अंतिम वर्ष में। इस चीज़ के बारे में हम लोग गणित में पढ़ेंगे, तो जानते हैं ओपन सेट क्या है। ओपन सेट जैसे कि एक एक्स और डी जो है एक दूरिक समष्टि है। क्या है? दूरिक समष्टि है। और इसमें कोई यानी कि डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर, यानी कि माना कि एक जी एक एल जी या एक्स कैपिटल एक्स, यह एक ओपन सेट है जिसमें केंद्र है x और x से यानी कि रेडियस r, ये रेडियस r है। फिर इस x से और ये बिंदु a है y। तो जो है x और y का जो दूरी है वो r से हमेशा जो है छोटा रहेगा। तो इसके अगर हम एक ओपन स्फीयर बनाए y1 y2 y3 y4 y6 एंड y7 एंड तो हम लोग ओपन स्फीयर यानी ओपन सेल वो है जो x y1 y2 y3 y4 जो है एक ओपन सेट है। तो g बराबर जो है y1 y2 y3 इन y4 इन सभी सेटों के समुच्चय को हम लोग जो है ओपन सेट कहते हैं। अगर कोई भी एक पॉइंट लेंगे जैसे कि y6 है जो बाउंड्री में है, इसीलिए यह जो है ओपन सेट नहीं है। ओपन सेट उसे कहते हैं जो बाउंड्री में ना रहकर उस जैसे डी एक्स और वाई इस ग्रेटर देन आर। तो कोई भी एक ओपन स्फीयर बनाए जो बाउंड्री में ना होकर उस विपरीत गोलक कैपिटल एक्स के अंदर में हो, जो बाउंड्री पर भी ना हो, उसे हम लोग जो है ओपन सेट कहते हैं। तो जैसे कि एक बिंदु लेंगे एक्स इस बिलोंग्स टू एस आर एक्स है, जैसे कि एक बिंदु केंद्र एक्स है और आर, उसके अराउंड एक ओपन स्फीयर बनाएं तो वह एक सेट के अंदर में ही हो, उसके बाउंड्री को भी टच ना करता हो, तो हम उसे ओपन सेट कहते हैं। जो यह जो ओपन स्फीयर बना है बिलोंग्स टू जी या कैपिटल एक्स, ए ओपन स्फीयर है। इसके अंदर में चाहे कितना छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा बनाए जो इस बाउंड्री पॉइंट को टच ना करता हो, उसे हम जो है ओपन सेट कहते हैं। जैसे कि 1 और 2 है या ओपन 1 और 3 है, इसके अराउंड एक ओपन सेट बनाए, जैसे कि रियल लाइन इसे ड्रॉ करते हैं 0 1 2 और 3। तो ओपन सेट में जो है 1 और 3 सम्मिलित नहीं रहता है, उसके अंदर जितना भी पॉइंट है वो सभी सम्मिलित रहते हैं। जैसे कि इसके अराउंड हम लोग ओपन से एक विविध गोलक बना रहे हैं, तो यह जो गोलक है वह जो है यानी कि 1 को छोड़ रहे हैं और 3 को छोड़ रहे हैं, और इसके अंदर एक गोलक बन रहे हैं। तो यह जो है 1 और 3 में जो ओपन स्फीयर बना रहे हैं वो ओपन सेट है, जो यह है एक ओपन सेट है। फिर अगर एक और है जैसे कि 1 3 a, एक ओपन ब्रैकेट है एक क्लोज ब्रैकेट है। तो क्लोज ब्रैकेट में जैसे 3 है, तो इस 3 के अराउंड एक ओपन सेट बनाएं, तो यह जो है ओपन सेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है पूरा 3 सम्मिलित हो रहा है, बाउंड्री पॉइंट सम्मिलित हो रहा है।
क्या ये ओपन सेट नहीं है, तो हम देखेंगे अगले वीडियो में कि क्लोज सेट क्या होता है। तो यानी क्लोज सेट वो होता है यानी कि ओपन सेट में जैसे बाउंड्री पॉइंट जो है सम्मिलित नहीं हो रहा है, तो और क्लोज सेट में जो है बाउंड्री पॉइंट भी जो है सम्मिलित हो उसे बोलते हैं हम लोग क्लोज सेट। जैसे कि वन और थ्री है, इसमें वन और थ्री सम्मिलित है तो इसे हम लोग जो है ओपन सेट कहते हैं जिसमें बाउंड्री पॉइंट भी सम्मिलित हो। यानी कि एक इंटीरियर पॉइंट के अलावा उसके बाउंड्री पॉइंट का बिंदु भी सम्मिलित हो जाए, जैसे इसके अराउंड एक ओपन सेट बनाएं क्लोज सेट। तो यह बाहर नहीं होना चाहिए, चाहे अंदर हो जाए या बाउंड्री में हो जाए, तो इसी को हम लोग जो है क्लोज सेट कहते हैं। इसके अंदर जितना भी पॉइंट हो उसे हम लोग क्लोज सेट बोलते हैं, और ओपन सेट इसके अंदर में जो बाउंड्री को भी टच ना करता है उसे हम लोग ओपन सेट, और पूरे बाउंड्री और उसके अंदर के बिंदुओं का एक ओपन सेट को बोलते हैं हम लोग ओपन सेट।